Hello everyone, a warm welcome to another live session. This side Manpreet and you are watching Ask Viewer channel. So ye hamara live hai related to day 8 of our reading challenge. Reading ki series jo humne 30 days ki start ki hui hai uska ye day 8 hai. फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि वीडियोस थोड़ी सी लास्ट वीक जो है रेगुलर बेसिस पर नहीं डली, उसके पीछे कुछ रीज़न था, पर्सनल रीज़न ही था, आई एम सॉरी कि फैमिली फंक्शन था कुछ और कुछ तबीयत भी साथ नहीं दे रही थी, सो इस वजह से वीडियोस जो है लाइव नहीं हो पाई और रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसके लिए आई एम सॉरी, बट अब से आपको रेगुलर जो है वीडियोज़ वो मिलेंगी. सो आज डे 8 है. सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे अभी जुड़े हो तो हमने रीडिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है 30 डेज़ की. सो आज डे 8 की वीडियो है जिसमें हम समरी टाइप क्वेश्चन देखेंगे. सो समरी टाइप एक टाइप में ऑलरेडी समरी टाइप की पहले डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी रीडिंग सीरीज में, जिसमें हमने समरी विद जो गिवन वर्ड्स होते हैं बॉक्स में, सो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट आज जो समरी क्वेश्चन टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कि सिंपली आपको समरी दी हुई है, कोई वर्ड्स या कोई सिनोनियम आपको नहीं दिए गए, उसमें से आपको देखकर नहीं लिखने, आपको पैसेज में से फाइंड आउट करके लिखने. सो एक तो आज वो क्वेश्चन टाइप करेंगे हम, आज एक और समरी टाइप क्वेश्चन करेंगे जो डायग्राम के रूप में आपको समरी होगी. सो दो टाइप के क्वेश्चन जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली ये समरी टाइप क्वेश्चन ही है, सो उसी के बारे में आज बात करेंगे. आई एम जस्ट वेटिंग 1 to 2 मिनट, उसके बाद जो है हम आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं. सो वीडियो जो है आज हम करेंगे रीडिंग टेस्ट नंबर जो मैंने लिया है वो आज व्यूअर की वेबसाइट से लिया है, और रिसेंटली एग्ज़ाम में ये रीडिंग आई है, सो वही आज हम डिस्कस करेंगे. एलिफेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है हमारा. ये रीडिंग जो है नवंबर मंथ में ही एग्ज़ाम में आई थी, रियल एग्ज़ाम में, सो वही हमने टॉपिक लिया है. इसी की समरी कंप्लीशन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ. अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक तरह की वीडियो मिलने वाली है. इवन लाइव क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी लाइव क्लासेस. इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, चाहे वो रीडिंग की हो, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग की हो. इसके साथ साथ कि अगर आप आईएलटीएस पेपर की टीम से जुड़ते हो व्हाट्सएप के थ्रू और आपको डेली प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. अलोंग विद दैट अगर आपको इवेल्युएशन चाहिए राइटिंग एंड स्पीकिंग की देन वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो आईएलटीएस पेपर के साथ. सो आईएलटीएस पेपर के साथ जो है प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है 9914301883, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप में अपना नेम और अपनी सिटी का नेम यानी कि अपनी लोकेशन जो है वो हमें सेंड करनी है. इससे क्या होगा, सेंड करने से पहले आपको ये नंबर प्लीज़ सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जब ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज सेंड किए जाते हैं तो अगर आपका नंबर सेव होता है तो वो आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डायरेक्टली मैसेज चला जाएगा. अगर सेव नहीं करते हो आप नंबर तो हमें वो है पर्सनल में जाकर आपको हर एक पर्सन को मैसेज करना पड़ता है, तो कई बार आपको डाटा प्रोवाइड नहीं होता. सो आप नंबर को सेव कर लीजिएगा, उसके बाद अपना नेम और लोकेशन आपको सेंड करनी है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपको डेली प्रैक्टिस के लिए जो है वो मटेरियल मिल जाएगा. और वही मटेरियल के साथ अगर आप इवैल्यूएशन भी चाहते हो तो आपको वो टास्क जो है राइटिंग टास्क 1, 2 एंड स्पीकिंग आपको टेक्स फॉर्मेट में जो ईमेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है help@ielsviewer.com, इस ईमेल एड्रेस पर आपको वो मैसेज करना है. अब आप कहोगे कि मैम स्पीकिंग टेक्स्ट में लेने का क्या फ़ायदा है, आप ऑडियो में लो. सो इसके पीछे भी एक लॉजिक है. आप राइटिंग जिस वे में लिखते हो अपनी नोटबुक पर आप उसी वे में राइटिंग को लिख सकते हो, बट उसके बाद आपको स्पीच टू नोट या वॉइस टाइपिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है अपने राइटिंग को बोल कर टाइप करना है, जाके टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है.
उससे आपकी स्पीकिंग की फ्लुएंसी इम्प्रूव होगी, प्लस अगर आपकी किसी वर्ड में प्रोनंसिएशन की प्रॉब्लम है तो वो भी करेक्ट हो जाएगी। और स्पीकिंग का भी आपको इसी तरह से वॉइस टाइपिंग के थ्रू जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें सेंड करना है। अगर आप राइटिंग प्लस स्पीकिंग हमें सेंड करते हो तो आपकी वैल्यूएशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर आप सिर्फ राइटिंग की वैल्यूएशन चाहते हो, राइटिंग टास्क 1 एंड 2 ओनली राइटिंग की वैल्यूएशन आपको चाहिए, सो वो पेड है। उसके लिए आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी आप इसी नंबर पर जो है, जो आपको ऑफिशियल नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू जो है वो जानकारी ले सकते हो। चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को आज की स्टार्ट करते हैं, आज के लाइव लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे रीडिंग का समरी टाइप। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज जो क्वेश्चन टाइप है वो डिसाइडेड हैं कि हम क्या करने वाले हैं, बट यस अगर आपको किसी और क्वेश्चन टाइप में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हो। सो सबसे पहले है एलिफेंट कम्युनिकेशन। एलिफेंट आपको पता है, कम्युनिकेशन आपको पता है, कम्युनिकेट करना, मैसेज इधर से उधर अपनी बातचीत को कम्युनिकेट करना, या फिर आप कह सकते हो कि अपने मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना। सो एलिफेंट कम्युनिकेशन यानी कि एलिफेंट कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, बातचीत किस तरह से करते हैं, क्या है उसके बारे में ये आपका पूरा पैसेज होगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाते हैं। सो आज हम जो है समरी टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। सो यहाँ पर 28 से 31 क्वेश्चन है। सो उन्होंने कहा डायग्राम फिलिंग कंप्लीट द फ्लोइंग समरी ऑफ पैराग्राफ। सो डायग्राम है, सो डायग्राम भी आपको क्या करना है, समरी टाइप ऑफ क्वेश्चन है डायग्राम में। और आपको कहा गया है नो मोर देन 2 वर्ड्स, यानी कि आपको ये जो डिटेलिंग दी होती है आपको इसे अच्छे से रीड करना है कि आपको 1 वर्ड लिखना है, 2 वर्ड लिखने हैं, 3 वर्ड लिखने, कितने लिखने हैं, क्या गिवन है। सो उन्होंने कहा नो मोर देन 2 वर्ड्स, यानी कि आप 1 वर्ड लिख सकते हो, आप 2 वर्ड लिख सकते हो, पर 2 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। सो ये आपको डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में आपको ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, यानी कि समरी है ये आपको जो है फिल करनी है। 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है डैश बोन्स इन इनर ईयर। अब हमारा जो है कीवर्ड क्या बनता है यहाँ पर, हमारा कीवर्ड बन रहा है यहाँ पर ये इनर ईयर। सो डैश बोन, कौन सी बोन है जो वो इनर ईयर में होती है, जहाँ पर हमें ये कीवर्ड मिलेगा वहाँ पर हमारा आंसर होगा। सो सबसे पहले इसी को फाइंड आउट करते हैं, आगे के हम क्वेश्चन फिर रीड आउट करेंगे। सो चलिए अब आपको क्या पता लगा कि स्टार्टिंग में है। सो यहाँ पर ए पैराग्राफ की बात करें, अगर हम ए पैराग्राफ में बिलो दिस साइंटिफिक की बात की है, यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी की बात की है, एज माइट साइंटिफिक। अब देखिए, अब जब आपको कर्सल सिर्फ यानी कि अपने पेंसिल का पॉइंट आपको इस तरह से रखना है, जिस तरह से मेरा कर्सल है आपको इस तरह से करते जाना है, ठीक है। सो जब आपको इनर ईयर मिल गया, यहाँ पर हमें इनर ईयर मिल गया, अब इनर ईयर मिल गया, अब आपको इससे एक लाइन ऊपर और इससे एक लाइन नीचे पढ़ना है। एज माइट बी एक्सपेक्टेड द अफ्रीकन एलिफेंट्स एबिलिटी टू सेंस सेस्मिक साउंड मे बिगन इन द ईयर। सेस्मिक साउंड क्या होता है, सेस्मिक होता है वाइब्रेशन, ठीक है। सो वाइब्रेशन वाली साउंड जो है वो उनके कानों में होती है, यानी कि ईयर्स की बात यहाँ की। द हैमर बोन ऑफ एलिफेंट्स इनर ईयर प्रोबेबली वेरी लार्ज फॉर अ मेंबर। अब इनर ईयर में कौन सी बोन की बात कर रहा है, वो हैमर। सो ये हमें फर्स्ट आंसर मिल गया। सो ये डायग्राम में जो है आंसर फाइंड आउट करने थोड़े इजी हो जाते हैं। सो यहाँ पे आई थिंक टाइप नहीं हो रहा, मैं इस तरह से लिख रही हूँ, अब आप हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। सो हैमर है इसका, डबल एम है ये जो इस तरह से बन गया है, हैमर, एच ए डबल एम ई आर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो क्या है, उन्होंने कहा एन एक्सट्रीमली लार्ज डैश। ये जो चीज़ है
यानी कि ये जो पॉइंट आउट उन्होंने किया, ये क्या है, एन एक्सट्रीमली लार्ज, ये लार्ज उसकी क्या है, ठीक है, इसको आपको डिफाइन करना है, एक्सट्रीमली लार्ज डैश, ठीक है। अब उसके बाद हमें जहाँ पर आंसर मिला है उसके आगे हमें आंसर मिलेगा, सो हम रीड आउट करते हैं। अब यहाँ तक बात कर ली उन्होंने कि उसका हैमर बोन जो है उसके एलिफेंट के इनर आई ईयर में होती है, जो लार्ज होती है, बट टिपिकली फॉर एनिमल्स दैट यूज वाइब्रेशन सिग्नल, बट टिपिकली एनिमल्स इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, सिग्नल्स, वाइब्रेशनल सिग्नल्स कैच करने के लिए। इट मे देयरफॉर बी अ साइन दैट एलिफेंट कैन कम्युनिकेट विद सेम, यही एक कारण है, यही एक साइन है कि एलिफेंट जो है वो कम्युनिकेट करते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं बात नहीं है इसकी, यहाँ पर जो है उसके ईयर की ही डेफिनेशन दी गई है कि वो किस तरह से सेंसिटिविकली वाइब्रेशन को सुनते हैं और किस तरह से एलिफेंट्स उस पर रिएक्ट करते हैं। बट अदर एस्पेक्ट्स, अब दूसरे एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इस पूरे पैसेज में ईयर के बारे में बात की गई है, अदर एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। वो कह रहा है एलिमेंट जो है एलिफेंट्स ऑल्सो स्पोर्ट दैट एबिलिटी, उनमें एक और एबिलिटी है, वो क्या है, फर्स्ट देयर इनॉमियस बॉडी, इनॉमियस आपको पता है क्या होता है, लार्ज, बिग, ठीक है, बहुत बड़ी। अब बहुत बड़ी की ही तो बात हुई है, देयर इनॉमियस बॉडीज, उनकी जो है बॉडीज बहुत विशाल होती हैं, बहुत बिग होती हैं, ठीक है। सो वही हमें उन्होंने पूछा था, एन एक्सट्रीमली लार्ज डैश। अब यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान से देखना है, वहाँ पर लिखा है आपको, देखिए, इनोमियस बॉडीज, ठीक है, ये प्रूलर है, आपको बॉडीज लिखा है। तो अब जब आप यहाँ पर आते हो, यानी कि उन्होंने कहा कि उस उनकी बॉडी जो है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत विशाल होती है, अब यहाँ पर जो है वो सिंगुलर है, वो सिंगुलर कैसे है, देखो यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया ए या एन लगा हो तो आपको पता है वो सिंगुलर है, ठीक है। सो यहाँ पर एन लिखा है और एक्सट्रीमली लार्ज लिखा है, तो वहाँ पर बॉडीज लिखा है, यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, बॉडी, ठीक है। वहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि आपको ग्रामर ग्रामर भी आपको ध्यान में रखनी है, ये मेन पॉइंट है जो इसमें डिस्कस करने वाला है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ गया आपका, बॉडी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब ये उसके पैर हैं, अब इस पैरों की डायरेक्शन को उन्होंने हाईलाइट किया, उन्होंने कहा एक तो टोस हैं, ठीक है, दूसरे क्या है, एंड फैटी डैश, और उसका फैटी क्या है वो हमें चेक करना है, ये आपको गिवन मिलेगा, इसमें कोई भी आपको सिनोनिम्स यूज़ नहीं किए होंगे, ये एज इट इज़ जिस तरह से है आपको वैसे ही मिलेगा। सो जब आप इस तरह से पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर फैटी मिल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा सेकंड, सेकेंडली क्या, फर्स्टली तो उसकी बॉडी बहुत विशाल है, ठीक है, सेकेंडली क्या है, द एलिफेंट्स टोज, टोज बोन जो है वो रेस्ट ऑन अ फैटी पैड। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेकेंडली टोज एंड फैटी पैड, तो वहां पर फैटी आपको गिवन है, टोज आपको गिवन है, सो यहां पर आंसर आपका क्या आता है, पैड, ठीक है, यानी कि उसके पैर का जो हिस्सा है ये उसके टोस हैं, और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। अब 28, 29 एंड 30 क्वेश्चन हो गया, 31 उन्होंने यहाँ पर दिया, बिग साइज ब्रेन सर्क विद मैनी डैश, कहते उसके ब्रेन का जो खोपड़ी है जो उसकी, ठीक है, सक होता है खोपड़ी, जो उसका ब्रेन की जो खोपड़ी है जो उसकी, वो बिग साइज में है विद मैनी डैश, और उसमें और क्या है, किसके साथ, मतलब उसे मर्ज किया गया है। अब जहाँ पर हमें ब्रेन मिलेगा वहाँ पर हम रुक जाएंगे एक मिनट के लिए, या जहाँ पर हमें खोपड़ी के बारे में, ये देखिए ब्रेन के बारे में, फाइनली, और उसके बाद जो है ये फाइनली अगली विशेषता बता रहा है उसकी, इनोमियस ब्रेन, लार्ज ब्रेन वहाँ पर यूज़ किया वर्ड, यहाँ पर इनोमियस ब्रेन यूज़ किया है, जो क्या करता है, द फ्रंट ऑफ द स्कल, स्कल यानी कि उसकी खोपड़ी का जो हिस्सा है, इज रेडल्ड विद मैनी, किसके बारे में बात की है, सीनियस कैविटीज, कि उसके अंदर ये वाली कैविटीज होती है, ठीक है। सो ये आपका आंसर मिल गया आपको, 30 का, सॉरी 31 का, ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया आपका। सो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, अब देखिए इसका आंसर हमें क्या मिला था,
हैमर, ठीक है। सो इसका आंसर हमें मिला था बोडी, बोडीज था वहाँ पर। आप प्लीज़ इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप वो प्लूरल के बारे में ही बात की गई थी, देयर इनोमियस बॉडीज लिखा था, यहाँ पर सिंगुलर है, ग्रामेटिकली बॉडी ही आएगा। इसका आंसर बैड है। और इसका आंसर आपको क्या मिला था वहाँ पर? इसका आंसर मिला था हमें कैविटीज, सेनिस सिनिकस कैविटीज, CAVITIES, ठीक है। यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, ठीक। ये हमारी जो है डायग्राम की समरी है। और डायग्राम या फ्लो चार्ट आपके पास आता है समरी के रूप में, तो इन्हें सॉल्व करना बहुत इजी होता है। बट यस, अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत जाता है फ्लो या डायग्राम में, तो देर इज मोर चांस कि आपके जो बाकी के क्वेश्चन है वो गलत जाए। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि आपको जब डायग्राम आता है, आपको अंडरस्टैंड कैसे करना है, उन्होंने ईयर के ऊपर टारगेट करके देखी, यहाँ से यहाँ तक जो है वो ईयर है। अब ईयर पे टारगेट करके उन्होंने पूछा है कि ये बोन क्या है। अब उन्होंने इस एरिया को टारगेट करके ये आपका 29 क्वेश्चन पूछा है, तो आप यहाँ से भी जज लगा सकते हो कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, उसकी शरीर के बारे में बात कर रहा है, उसकी बॉडी के बारे में बात कर रहा है। अब पैरों को उन्होंने हाईलाइट करके आपका ये आंसर पूछा है, ठीक है। ये वाला आंसर आपको पैरों को हाईलाइट करके पूछा। एक तो टोज है, और क्या होगा उसका जो खुर, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है पैर का, उसके बारे में बात की है। अब यहाँ पर उन्होंने ब्रेन खोपड़ी के बारे में बात की है, तो ये आपको फाइंड आउट ही करना पड़ेगा। बट मोस्टली डायग्राम में क्वेश्चन के आंसर जो है आपको चेक करके कि उसका डायग्राम किस वे में बना है, वहाँ से भी जज हो जाते हैं। अब बात करते हैं 32 to 38 क्वेश्चन की, जो है कंप्लीट द फ्लोइंग समरी। ये भी समरी टाइप क्वेश्चन है। एंड नो मोर देन 3 वर्ड एंड और अ नंबर, ना तो आपको 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने, आप 1 वर्ड लिख सकते हो, 2 वर्ड लिख सकते हो, 3 वर्ड लिख सकते हो, और अ नंबर। एंड और अ नंबर और अ नंबर में क्या डिफरेंस है? अगर आपको दिया हुआ है नो मोर देन 3 वर्ड एंड और अ नंबर, इट मीन्स कि आप नंबर के साथ भी वर्ड ऐड कर सकते हो। अगर आपको सिंपली यहाँ पर लिखा है और अ नंबर, इट मीन्स कि आप या तो वर्ड लिख सकते हो या आप नंबर लिख सकते हो, आप दोनों को इकट्ठा नहीं लिख सकते। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं समरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात। सो मैंने एक आपको वीडियो Day 7 की डाली थी, वो इसीलिए कि समरी टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है कि पैराफ्रेजिंग ज़्यादा की जाती है। पैराफ्रेजिंग कई बार तो ऐसा होता है कि आपको सिमिलर वर्ड मिल जाएंगे, बट कई वर्ड उनको एक्टिव को पैसिव करके, या पैसिव को एक्टिव करके, या फिर सिमिलर वर्ड के सिनोनिम्स यूज़ कर उनके जो है सिमिलर सेंटेंस फॉर्म में आपको दिया जाता है। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। सो यहाँ पर फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका क्या है? जहाँ पर हमें नाम दिया गया है इस पर्सन का, रोडवेल का, ठीक है। सो यहाँ पर नाम दिया है, ये यूनिवर्सिटी की बात की है, ये कीवर्ड आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये नाम का भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, यानी कि ये प्रॉपर नाउन्स हैं, और प्रॉपर नाउन का आपको क्या है कि वर्ड कैपिटल मिलेगा, और इनको लोकेट करना, लोकेशन फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो उन्होंने कहा हाउ द एलिफेंट सेंस दीज साउंड वाइब्रेशन इज स्टिल अननाउन, कहते कि उनकी जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो अभी भी अननाउन है, बट ये जो जो साइंटिस्ट हैं रोडवेल, अ फ्रेश ग्रेजुएट इन एंटोमोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, प्रपोज दैट द एलिफेंट्स आर लिसनिंग विद देयर डैश, कहते उन्होंने ये माना, उन्होंने ये प्रपोज किया। अब क्या किया उन्होंने प्रपोज कि एलिफेंट जो हैं वो लिसन करते हैं विद देयर, अपने किस चीज के थ्रू, ठीक है। सो वो हमें देखना है। चलिए अब हमें दो चीजें, दो कीवर्ड मिले थे, एक यूनिवर्सिटी का नेम, एक उस पर्सन का नेम, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने लाइन दी हुई है, ये फर्स्ट
बट ये राइटर का नेम आ गया, साइंटिस्ट का नेम, और ये आ गया आपकी यूनिवर्सिटी का नेम। अब वहां पर लिखा था परपोस्ट, यहां पर लिखा है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट द लिसनिंग विद देयर, किसके थ्रू करते हैं वो, ट्रंक्स एंड फीट। सो ये आपका आंसर है, ट्रंक्स एंड फीट। ठीक है, सो ये आपको आंसर मिल गया। इतने ये आई थिंक ये रीडिंग जो है काफ़ी इजी थी, अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया हो उन डेट्स को तो उनके लिए काफ़ी ये इजी रही होगी, देयर ट्रंक्स एंड फीट। सो ये आपको तीन वर्ड उन्होंने कहा था और तीन वर्ड हमने यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर उन्होंने देयर लिखा है, प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है प्लूरल में बात की है। अगर यहाँ पर सिंगुलर वर्ड होता तो यहाँ पर भी हम सिंगुलर में लिखते, ग्रामेटिकल भी वो आपका सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बाय टू काइंड ऑफ नर्व्स एंडिंग, कहते हैं दो तरह की नर्व्स जो है वो एंडिंग है, दैट रिस्पोंड टू वाइब्रेशन, जो रिस्पॉन्स करती हैं उस वाइब्रेशंस को, कहते हैं दो तरह की नर्व्स होती हैं, हालांकि उनकी लिसनिंग पावर जो है वो ट्रंक्स और फीट के थ्रू होती है, और दो तरह की नर्व सिस्टम होता है एंडिंग, जो रिस्पॉन्स करता है इन वाइब्रेशन को विद बोथ डैश फ्रिक्वेंसी, मतलब कौन सी फ्रिक्वेंसी, डैश फ्रिक्वेंसी एंड स्लाइटली हायर फ्रिक्वेंसी, या तो वो मिडिल फ्रिक्वेंसी होगी या तो वो लोअर फ्रिक्वेंसी होगी, मतलब कौन सी फ्रिक्वेंसी की वो बात कर रहा है वो हमें जज करना है। सो जहाँ पर हमें हमारा ये वाला कीवर्ड मिलता है हायर फ्रिक्वेंसी, और किस फ्रिक्वेंसी की और बात की होगी वो हमें जज करना है। ठीक है, सो चलिए फटाफट से देखते हैं हम। हम यहाँ पर थे ना, द ट्रंक मे बी द मोस्ट वर्सटाइल, कहते हैं बहुत वर्सटाइल होती है, इट यूज इंक्लूडिंग, ये कितनी तरह से यूज़ किया जाता है इस ट्रंक को, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, स्मेलिंग, फीडिंग एंड स्क्रैचिंग, मतलब वो इन इन पर्पज़ के लिए से यूज़ करते हैं। बोथ ट्रंक एंड फीट कंटेन टू काइंड ऑफ प्रेशर, अब यहाँ पर प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग यूज़ किया वर्ड, वहाँ पर सिंपली टू काइंड ऑफ नर्व्स लिखा है। ठीक है, सो ये आपको सेम मिल गया, वन दैट डिटेक्ट, एक ऐसी है जो डिटेक्ट करती है इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस। ठीक है, इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन, एंड अनदर दैट रिस्पोंड टू वाइब्रेशन विद स्लाइटली हायर फ्रिक्वेंसीज। अब इंफ्रासोनिक का अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। इंफ्रासोनिक होता है बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी, बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी छोड़ने वाली वाइब्रेशंस, लो फ्रिक्वेंसी मतलब इतनी स्लो कि आपके कानों को सुन भी ना सकें, उतनी स्लो। और हायर फ्रिक्वेंसीज की जगह पर वो यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते थे अल्ट्रा सोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसीज। सो इस तरह से आपको थोड़ा सा जो है फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, एक कौन सी, एक तो वो ये इंफ्रासोनिक जो है वो वाइब्रेशंस, यानी कि यहाँ पर वाइब्रेशन की जगह पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, सो एक वो लो क्वालिटी की फ्रिक्वेंसीज को जज करते हैं, सुनते हैं, और सेकेंडली वो नर्व सिस्टम किस में हेल्प करता है, हायर फ्रिक्वेंसीज में। इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक होता है हायर फ्रिक्वेंसी, यानी कि आपके ऊंची ध्वनि वाली तरंगे आप बोल सकते हो प्रॉपर हिंदी में, इंफ्रासोनिक यानी कि लो फ्रिक्वेंसी जो छोड़ती हो, जो बहुत ही स्लोली स्लोली आपके कानों तक आवाज आती हो, जिनको सुनना आपके लिए हार्ड होता हो, इंफ्रासोनिक। अब हमें मिल गया, एक तो वो कहते हैं कि हायर फ्रिक्वेंसी को सुनते हैं, दूसरा वो कौन सी फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी है इंफ्रासोनिक। ठीक है, सो वेट, ओके, क्लियर है यहाँ तक आपको। ये हो गया हमारा आंसर, उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा, ये राइटर का नाम है, वर्क इज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, कहते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर काम किया, ये जो साइंटिस्ट है, ये जो वर्कर है, उन्होंने काम किया है कॉम्बिनेशन, मतलब उन्होंने मल्टीपल जॉब्स की हैं, कौन कौन सी जॉब की है, एक तो जॉयोफिजिक्स, एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट की है, और सेकेंडली यानी कि थर्डली कौन सी की है वो हमें यहाँ पर जॉब करनी है।
अब ये भी जायज सी बात है कि इसका संनियम नहीं मिलेगा, ये आपको एज इट इज मिलेगी, जो स्टडीज है वो आपको एज इट इज मिलेंगी। अब फ्यूचर रिसर्च इज बाउंडलेस एंड अनप्रडिक्टेबल, बट अवर वर्क इज रियली इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी कम्बिनेशन था किसका, जियोफिजिक्स ये आपको दिया हुआ है, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ये भी आपको दिया है, एंड थर्ड जो है इकोलॉजी ये आपको नहीं दिया, ये आपको ब्लैंक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, इकोलॉजी। आई थिंक ये रीडिंग थोड़ी ईजी है एज कंपेयर टू अदर रीडिंग्स जो हमने पहले डिस्कस की हैं, बट अगर आपकी स्टार्टिंग है, आपको समरी क्वेश्चन में फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपके लिए ये बेस्ट रीडिंग है, क्योंकि अगर आप यहाँ से सीखते हो तो आपको होली हो जो धीरे धीरे वो है वो ग्रैब करने आ जाएंगे कि किस तरह से आपको आंसर पिक करने हैं, किस तरह से आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है। अब उसके बाद उन्होंने कहा, एंड इट आल्सो वाज द फर्स्ट टू इंडिकेट दैट अ लार्ज लैंड एनिमल आल्सो इज सेंडिंग एंड रिसीविंग डैश। कहते हैं ये फर्स्ट इंडिकेशन उन्होंने दिया कि जो लार्ज लैंड एनिमल्स हैं वो भी सेंड और रिसीव करते हैं क्या, किसी तरह के मैसेज, किसी तरह के सिग्नल्स क्या रिसीव करते हैं। अब देखिए एनिमल्स, अभी तक जो बात चल रही है वो क्या चल रही है, वो सुनने की चल रही है। देखो आपको आंसर गैस करना भी आना चाहिए, लिसनिंग की बात हो रही है, कुछ सुनने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि एलिफेंट जो है वो अपने ट्रंक यानी कि अपनी सूंड के साथ और अपने पैरों के साथ भी सुन सकते हैं। किस तरह सुन सकते हैं, कहते हैं उनमें नर्व सिस्टम होता है, दो तरह की वाइब्रेशंस को वो रिस्पोंड करते हैं, दो तरह की वाइब्रेशन को, यानी कि उन्हें जो वाइब्रेशन होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी की हो तो भी वो उन्हें पता चल जाता है, या फिर इंफ्रासोनिक हो यानी कि वो लो फ्रिक्वेंसी की हो तो भी उन्हें सुन जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जो पर्सन हैं जो इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं उन्होंने इस एरिया पे काम किया है, और उन्होंने कहा कि जो लार्ज लैंड एनिमल्स हैं वो सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। अब तक सुनने की बात हो रही थी, तो क्या रिसीव करने की बात हो सकती है और क्या सेंड करने की बात हो सकती है, या तो वो कोई मैसेज या वो कोई सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई आंसर आपको शायद मिल सकता है। सो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो आपको इस तरह से ना थोड़ी सी अपनी लॉजिकली सोच के आपको चलना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप रीडिंग का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना। साइंटिफिक साइंटिस्ट हैव लॉन्ग नोन दैट सेस्मिक कम्युनिकेशन, सेस्मिक कम्युनिकेशन, सेस्मिक मैंने आपको बताया क्या होता है, सिस्मिक होता है वाइब्रेशन से होने वाली बातचीत। ठीक है, मान लो कि आपको कई बार क्या होता है कि बहुत, मान लो कमरे में अंधेरा है, कोई पर्सन दरवाज़ा खोलता है और आपको किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, वो आपको दिख नहीं रहा होता, आप किस तरह से उसे जज करते हो, आपको पैरों की आवाज़ या वाइब्रेशन या मतलब कोई आहट सुनती है। सो सेम लाइक दैट कि वो उसी की बात कर रहा है कि जो एनिमल्स हैं, जो एलिफेंट्स हैं, वो भी सिस्टमिक कम्युनिकेशन करते हैं। कहते हैं कि ये माना गया है कि ये कॉमन है स्मॉल एनिमल्स में, अब हमें ढूंढना है लार्ज एनिमल्स की कहाँ पर बात हुई, क्योंकि हमें तो आंसर वहीं पर मिलेगा ना जहाँ पर उन्होंने लार्ज की बात की होगी। ठीक है, सो उसके बाद वो कह रहा है इंक्लूडिंग स्पाइडर दिस 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 इन, अब यहाँ तक तो वो कर रहा है बात, दे ऑल्सो हैव फाउंड एविडेंस ऑफ सिट। अब यहाँ तक जो है ये सारी बात चल रही है उसकी स्मॉल एनिमल की, देखो उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया बट, अब यहाँ पर वो बट लगा के इसके उलट बात कर रहा है। अब यहाँ तक स्मॉल के बारे में बात की, बट रोडवेल वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट, फर्स्ट था जिसने इंडिकेट किया, क्या फर्स्ट इंडिकेशन दी, वहाँ पर लिखे सजेस्ट, यहाँ पर लिखे सजेस्ट किया, वहाँ पर लिखे इंडिकेट किया। सो इस तरह से सिमिलर वर्ड लिखकर आपको जो है घुमाया जाता है। फर्स्ट टू सजेस्ट दैट द लार्ज लैंड एनिमल, ये कीवर्ड मिल गया, ऑल्सो इज सेंडिंग एंड रिसीविंग, सेंड और रिसीव करते हैं, क्या सेंड और रिसीव करते हैं वो, सिस्मिक मैसेजेस, ये मिल गया आपको आंसर। ठीक है, सो हमने यही जज किया था कि या तो मैसेज हो सकता है या वो कोई सिग्नल हो सकता है, क्योंकि अभी तक सुनने की ही बात चल रही थी, तो सिस्मिक मैसेजेस आपका आंसर है, क्योंकि हमें थ्री वर्ड्स अलाउड हैं तो हम पूरा लिख सकते हैं।
चलिए ये भी हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि रोडवेल नॉट इज द फ्रीजिंग बिहेवियर बाय पुटिंग अ मेल पेंथ्रोपर ऑन अ स्ट्रम एंड प्ले बैक अ फीमेल कॉल विच मे प्रूव द एक्सटेंशन ऑफ अप्रोच कम्युनिकेटिव अप्रोच अदर देन डैश। ठीक है सो उन्होंने क्या कहा कि फ्रीजिंग बिहेवियर हमारा कीवर्ड क्या है, हमें ये ढूंढना है फ्रीजिंग बिहेवियर कहाँ पर बात हुई है, उसके बाद फीमेल कॉल की कहाँ पर बात हुई है, विच में प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग अप्रोच, अप्रोच की बात कहाँ पर हुई है और कंपैरिजन किसका हुआ है। ठीक है सो जहाँ पर सबसे पहला हमारा कीवर्ड है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग बिहेवियर। सो उन्होंने ये उसके बाद ही जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है फ्रीजिंग बिहेवियर। ठीक है तो ये पर्सन की बात, अब ये बात कर रहा है, ये पर्सन बात कर रहा है, रोडविल जो है वो बात कर रहा है कि फ्रीजिंग बिहेवियर जो है वो रिमाइंड करता है हर ऑफ टाइनी इंसेक्ट बैट इन हर लैब। आई डिड मेनी मास्टर थीसिस ऑन सिस्मिक कम्युनिकेशन इन प्लेथोरा एंड शी सेज आई हैड पुट अ मेल पेंथोपर ऑन अ स्टम, ये बात आ गई, एंड पे बैक अ फीमेल कॉल, फीमेल कॉल की बात आ गई, एंड अ मेल वुड डू द सेम थिंग एंड एन्फेंट वर डूइंग, ही वुड फ्रीज देन प्रेस डाउन ऑन हिज लेग गो फॉरवर्ड अ लिटिल बैट देन फ्रीज अगेन। इट वॉज जस्ट सो फैसिनेटिंग टू मी एंड इट्स वट गोट टू मी थिंक, और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, मे बी देर इज समथिंग एज गोइंग ऑन, मे बी यहाँ पर कुछ और हो सकता है जो चल रहा हो, अदर देन के बाद जो आपको वर्ड मिल रहा है दैट इज ऑक्टोसिक कॉम्युनिकेशन, और ये आपका क्या है आंसर है। अब उसने पूरे पैरा में क्या बात किया, कहता कि फ्रीजिंग बिहेवियर जो है जब उस पर स्टडी की गई, मेल काउंटर पार्ट जो है उन्होंने मतलब फीमेल को कॉल किया, देन सेम उन्होंने जब एलिफेंट्स पर ट्राई किया तो सेम ही देखने को मिला, कहते इस बात ने मुझे शॉक कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनमें भी इस तरह के कॉम्युनिकेशंस जो हैं वो होते हैं। ऑक्टोसिक कम्युनिकेशन क्या होता है, दैट इज़ कि आप कोई कम्युनिकेशन, कोई आप तरंगे, कोई आप वाइब्रेशन जो है अंडर वाटर जो है सेंड करते हो, यानी कि पानी के अंदर भी अगर आप आवाज़ लगाते हो तो वो कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है ए सी ओ यू ऑक्टोस्टिक ओके कम्युनिकेशन, ओके ए सी ओ यू एस टी आई सी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड दैट एन एलिफेंट्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज एसेंशियल, कहते साइंटिस्ट ने ये डिटरमाइन किया, ये माना कि एलिफेंट्स की जो एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पर वो क्या है, जरूरी है, एसेंशियल है। गगनदीप हेलो मैम, हेलो जी, लॉन्ग डिस्टेंस इज एसेंशियल, कहते उनकी कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है वो जरूरी है, स्पेशली वेन एलिफेंट्स हर्ड आर फाइंडिंग अ डैश, हार्ड आर फाइंडिंग अ डैश, जब वो डिफिकल्टी फेस करते हैं फाइंड करने में डैश किस चीज़ को। ठीक है और अ वार्निंग ऑफ प्रेडेटर, चलिए अब इसको ढूंढते हैं कहाँ पर मिलता है, अब हमें यहाँ पर कीवर्ड किस तरह से मार्क करने। उन्होंने क्या कहा कि जो उसकी कॉमनी लॉन्ग डिस्टेंस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो, एसेंशियल ज़रूरत की बात हो, स्पेशली कब, हार्ड ऑफ फाइंडिंग अ डैश, फाइंडिंग अ डैश यानी कि यहाँ पर जो है सिंगुलर ही आएगा आपका। सो साइंटिस्ट हैज डिटरमाइंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, यहाँ पर लोकेशन मिल गई है हमको, अब हम ढूंढते हैं पार्टिकुलरली इन अ प्लेस लाइक वेयर मोर देन दिस एलिफेंट एलिफेंट्स रेंज ओवर एन एरिया इन न्यू जर्सी, द डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग अ फाइंडिंग अ मेट, मतलब अपना हम साथी चुनने में जो है उन्हें डिफिकल्टी हो रही है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं। सो उन्होंने यहाँ पर कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है कम्युनिकेट जरूरी है, स्पेशली व्हेन द फाइंडिंग अ मेट।
सो ये तो आपको डायरेक्ट ही आंसर दिया है, और हमें ये भी जज हो गया था कि यहाँ पर सिंगुलर आएगा. और आर वार्निंग ऑफ प्रेडेटर फाइनली द रिजल्ट ऑफ अवर. अब यहाँ पर आपका कीवर्ड क्या है, यहाँ पर सिंपली आपको ईयर दिया है तो आपका कीवर्ड यही है. फाइनली द रिजल्ट ऑफ अवर 2002 स्टडी शोज अस द एलिफेंट कैन डिटेक्ट वार्निंग कॉल प्लेड थ्रू द डैश. कहते हैं कि वो डिटेक्ट करती हैं जो वार्निंग कॉल्स आती हैं किसके थ्रू. सो किसके थ्रू आती हैं वो हमें मेन देखना है. 2002 कहाँ पर दिया है ये देखिए. अब जब आप सिंपली जाते हो ना तो ईयर आपको हाईलाइट हो ही जाएंगे. ये देखो 2002 यहाँ पर हाईलाइट हो गया. अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. रिएक्टिंग टू अ वार्निंग कॉल प्लेइंग इन द एयर वन थिंग. कहते हैं कि रिएक्ट करना जो वार्निंग कॉल्स आती हैं एयर में वो एक चीज़ है. बट कुड द एलिफेंट डिटेक्ट द कॉल ट्रांसमिटिंग ओनली थ्रू द ग्राउंड. ठीक है, जो उन्हें ग्राउंड से मिलती हैं क्या वो भी डिटेक्ट करते हैं. टू फाइंड आउट द रिसर्च टीम इन 2002 उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट अलाउ देम टू सेंड सिग्नल थ्रू द ग्राउंड. कि यस किस तरह से वो उन्हें सिग्नल दिए जाते हैं ग्राउंड के थ्रू. सो थ्रू द ग्राउंड ये आपका आंसर है. थ्रू द आपको दिया है. अब यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, ग्राउंड. सो ये समरी टाइप क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इजी थे जो आज हमने किए, और ये आपके क्लियर हो गई है. ठीक है, इसके बाद इसी पैसेज के दो क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं. ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्या हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं. अगर आपको कोई दिक्कत है मल्टीपल चॉइस में तो डेफिनेटली फिर दोबारा से हम इसको रिवाइज़ कर लेंगे. बट आज की क्लास में हमने समरी कंप्लीशन करना था और वो कंप्लीट हो चुका है. अगर आपको कोई डाउट है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो आज हमने किया उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. इसके अलावा भी अगर आपको किसी और कंटेंट पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो. मुझे आपके साथ एक और बात करनी है कि हमारा जो टाइमिंग है वो हमारा टाइम 9 बजे का है रात को. सो अब विंटर की वजह से जो है अब क्या है कि टाइम जो मुझे थोड़ा सा लेट लगने लग गया है. सो अगर आपको भी मतलब ये टाइम सेट नहीं है, सूट नहीं कर रहा, आपको लगता है कि टाइम कुछ और होना चाहिए लाइव सेशन का, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. हम सोच रहे हैं 7, 8 और 9 के बीच में. सो अगर आप जितनी मुझे वोटिंग मिलेगी कि हाँ इस टाइम पर होना चाहिए, हम वही टाइम फिक्स कर लेंगे लाइव क्लासेस का. ठीक है, सो 7, 8 और 9 के बीच में आप कोई भी, 7 to 9 के बीच में आप जो है कोई टाइम डिसाइड कर लो, सब जने मिलकर वही हम कर लेंगे. मुस्कान शर्मा मैम, आई फाइंड लोकेशन बट आई एम फेस द डिफिकल्टी टू करेक्ट आंसर. सो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको लोकेशन मिल जाती है बट आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलता. इट मीन्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, आप पैसेज को अंडरस्टैंड बेटर नहीं कर पा रहे. एंड उसके पीछे कई लॉजिकल रीज़न हो सकते हैं. फर्स्ट कि आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना नहीं आ रहा. सेकंड कि आपको कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आपको मीनिंग नहीं पता जिसकी वजह से आप कंफ्यूज होते हो. या थर्डली आपका माइंड जो है वो आपको कंफ्यूज कर देता है कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है. सो आपको क्या करना है, आपको अपनी गलतियों पर खुद से काम करना है. अब मैं आपको टेक्निक्स बता दूं, मैं आपको एक क्वेश्चन की दो दो टेक्निक बता सकती हूँ, तीन तीन बता सकती हूँ. बट आपके लिए वर्क कौन सी करती ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है. सो रीडिंग का बेसिक जो है, आप किसी सेंटर में भी जाते हो तो आपको सिर्फ एक दिन बताया जाता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करने हैं. वो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बताते, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है. सो आपको क्या करना है, जब आपको लोकेशन मिल जाती है उसके बाद आपको चाहे सही आंसर मिला चाहे आपको गलत आंसर मिला, आपको वो एक बार नोट डाउन करना है. अगर आपके 10 में से
क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, चार गलत हो रहे हैं, तो गलत क्यों हुए उसकी एनालाइजेशन आपको जरूर करनी है, और वो किस तरह से आपको करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, और वही मेथड है जो आपकी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकता है। सो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मान लीजिए कि 10 में से आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं, एक क्वेश्चन आपका इसलिए गलत है कि आपको कंफ्यूजन हो गई थी कि ये भी आंसर हो सकता है और इसका आंसर ये भी हो सकता है, यानी कि दो क्वेश्चन दो आंसर्स में आप कंफ्यूज थे और आपने कंफ्यूजन में गलत आंसर को पिक कर लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका इसलिए गलत हुआ कि आपने जल्दबाजी में सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी और उससे अगली लाइन में उसका आंसर था। थर्ड क्वेश्चन आपका इसलिए गलत हो गया कि आपने वो जो लाइन दी गई थी उसमें एक वर्ड था सो फार, ठीक है, सो फार, और वो आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, उस वर्ड ने या उस फॉर सपोज लाइकली एंड अनलाइकली आपको दिया हुआ है, उस एक सिंगल वर्ड ने पूरे सेंटेंस को मीनिंग को चेंज कर दिया और आपने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा और इसलिए आपका आंसर गलत हो गया। अब 3 वजह आपको मिल गई कि आपका इन वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है, आपको क्या करना है वो रीज़न एक नोटबुक लगानी है जो आपने ली हुई है जिसपे आप आंसर ट्रांसफ़र कर रहे हो, आपने लिखना है डे वन लिखा कि मेरा 7th नंबर क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, उसके आगे लिख देना है आपने कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, रीज़न रीज़न क्या था, फाइंड रॉन्ग लोकेशन प्लस कन्फ्यूजन इन 2 करेक्ट आंसर्स, ठीक है। सो आपने इस तरह से लिखा। सो उसके बाद क्या होगा, आप जब नेक्स्ट डे रीडिंग करोगे तो वो आपने नोटबुक जिस पे आपने अपनी मिस्टेक्स लिखी थी वो आपको सामने रखनी है और फिर आपको अपनी रीडिंग करनी है, यानी कि वो मिस्टेक आप दोबारा नहीं करोगे। और वो किस क्यों नहीं करोगे, जब आपको पता है कि आपके ये 2 क्वेश्चन गलत हैं, आपको हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको प्रैक्टिस सही वे में करनी है, सही वे में भी कि आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए, आपको एक ऐसा अपना अपने साथ एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके आंसर को टिक और क्रॉस कर सके, सिर्फ टिक और क्रॉस करना है, उन्हें बोलिए कि हमें आंसर मत बताइए। मान लीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन किए, 4 आपके गलत है, चारों के आंसर वो आपको नहीं बताएगा, वो 4 आंसर आपको दोबारा से फाइंड आउट करने, आपको 2 में कंफ्यूजन थी, एक आंसर आपका गलत हो गया, उसने बोला कि ये आंसर आपका गलत है, आपको पता है कि मुझे 2 में कंफ्यूजन थी तो हम मैं जो है 99% श्योर हूं कि दूसरे वाला आंसर मेरा सही है, ठीक है। सो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी गलती क्या है। और मान लीजिए कि उसके बाद वाला जो क्वेश्चन हमने कहा कि आपने ऊपर वाली लाइन पढ़ी उससे नीचे वाली लाइन ही पढ़ी, तो जब आप दोबारा वो आंसर को फाइंड आउट करोगे तो आप एक लाइन ऊपर की भी पढ़ोगे, आप एक लाइन नीचे की भी पढ़ोगे और आपको आंसर मिलेगा। सो यहाँ पर जो है आप अपनी गलतियों पर खुद काम करोगे, कोई आपको नहीं सिखा सकता, आप अपने खुद के टीचर हो। जब आप खुद से अपनी गलतियों को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे, उन पर वर्क करना स्टार्ट करोगे, उस टाइम आपकी रीडिंग की इम्प्रूवमेंट होगी। मैं यहाँ पर लेक्चर लूँगी, लेक्चर लेकर मैं चली जाऊँगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उन गलतियों पे वर्क नहीं करोगे, आपकी रीडिंग की इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। ये सच है और थोड़ा सा कड़वा है, शायद कुछ स्टूडेंट्स को ये हजम भी ना आए और वो वीडियो से बाहर भी चले जाएँ, बट यही सच्चाई है। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टाइम जो है हम लाइव क्लास कर रखें, और क्या आपको 26 के एग्ज़ाम से पहले लाइव सेशन चाहिए, और उस लाइव सेशन में हमें क्या क्या बेसिकली डिस्कस करना चाहिए। सो मुझे ये आपकी तरफ से चाहिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, ठीक है, आपके लिए लाइव सेशन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, आपको इवेल्युएशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आपको मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा फ़र्ज तो आपका भी बनता है, थोड़ी सी वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट करके यही सजेस्ट कर दो कि क्या कंटेंट होना चाहिए, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इससे आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा, क्योंकि मुझे रिसर्च करने में थोड़ी सी कमी हो जाएगी कि हाँ मुझे इस तरह का कंटेंट बनाना है, मुझे वो नहीं करना पड़ेगा, आप बता दोगे तो ठीक है, थोड़ा सा मेरा टाइम सेव हो जाएगा, थोड़ा सा आपका हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, अदरवाइज़ इट्स टू लेट, और आज की क्लास को आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो मे बी कल और परसों के बीच में होगी,
और वो किससे रिलेटेड होगी वो हम डिसाइड करेंगे, वो आपके कमेंट एक्चुअली डिसाइड करते हैं। सो जो मुझे लास्ट वीडियो में किसी स्टूडेंट का कमेंट था, किसी व्यूअर का कमेंट था कि मैम समरी में हमें दिक्कत है, सो इस वजह से मुझे आज समरी की वीडियो बनानी पड़ी। सो अगर आपके कमेंट जो है वो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट लाइव सेशन जो है वो किस पर होगा। अगर आप टास्क वन बोलोगे तो डेफिनेटली टास्क वन होगा राइटिंग का, रीडिंग बोलोगे तो रीडिंग का होगा, लिसनिंग बोलोगे तो लिसनिंग का होगा, एज योर विश। ओके देन आई होप थिंक कि किसी की कोई क्वेरी नहीं है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन सेंड अ मैसेज ऑन ऑफिशियल नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9914301883। आप इस पे व्हाट्सएप के थ्रू जो है क्वेरी सेंड कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है, और वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से हमें इससे कोई जो है हम मनी जनरेट नहीं कर रहे, या हमें कोई इनकम का ये हमारा सोर्स नहीं है कि इससे हमें कोई इनकम हो रही है। सो हमें आपकी तरफ से इतना ही चाहिए कि आप चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करो, कि हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहे हैं, सो हम भी थोड़ा सा अर्न कर सकें इस चैनल से, ठीक है। सो आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन एंड ओके मुस्कान जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सो कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू वंस अगेन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइव सेशन में, और आप अपने सजेशन जो है अपने फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।